अच्छे लगते हैं तो प्लीज इस वीडियो को भी लाइक कर देना, ज्यादा से शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बाजू वाली बेल भी बजा देना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी अ न्यू टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। अब सबसे पहले हम तो इसके फॉर्मूले देखते हैं, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, ये तो कंसेप्ट आपके क्लियर हो गई। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिट कब होता है। व्हेन सीपी, सीपी मींस कॉस्ट प्राइस, एसपी मींस सेलिंग प्राइस। व्हेन एसपी ग्रेटर देन सीपी देन प्रॉफिट होता है, एंड व्हेन सीपी ग्रेटर देन एसपी तो लॉस होता है। अब इसके फॉर्मूलेज हम देखेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अब ये जो फॉर्मूला है प्रॉफिट का, इसके बेसिस पर और दो फॉर्मूले बनते हैं। नंबर वन, अगर आपको प्रॉफिट दिया है, एसपी फाइंड करनी है, तो सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। फिर सेकंड है, अगर आपको प्रॉफिट दिया है और सीपी दिए, आपको एसपी फाइंड करना है, तो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। नेक्स्ट वी विल सी फॉर्मूला लॉस का। तो लॉस कब होता है, व्हेन सीपी ग्रेटर देन एसपी। तो लॉस इज इक्वल टू फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी। अब इससे भी दो फॉर्मूले बनते हैं। फर्स्ट है, अगर आपको लॉस दिया है, सीपी दिए और आपको एसपी फाइंड करनी है, तो एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। फिर सेकंड फॉर्मूला है, आपको अगर लॉस दिया है और एसपी दिए, आपको सीपी फाइंड करनी है, तो सीपी इज इक्वल टू एसपी प्लस लॉस। अब आपको ये जो एग्जांपल्स है, इसमें आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है या लॉस परसेंट फाइंड करना है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, और अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, हम प्रॉफिट या लॉस उसके सीपी से डिसाइड करते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, और लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ विल सी एग्जांपल, अ शॉपकीपर परचेज अ पेयर ऑफ शूज फॉर ₹800 एंड स्पेंड ₹20 ऑन द बॉक्स। He sold it at a profit of ₹80. Find actual CP of shoes. First we have to find actual CP. अब इस एग्जाम्पल को देख के आपको पता चला कि 800 में शूज को परचेस किया है, तो उसकी सीपी 800 होगी। फिर एक्चुअल सीपी क्यों पूछी, एक्चुअली क्या है कि उसके पैकिंग पे, बॉक्स पे उसने ₹20 स्पेंड किए, तो सीपी में जो स्पेंड होता है वो एड होता है, और फिर हमें मिलती है टोटल सीपी या एक्चुअल सीपी। Therefore first we will find actual CP is equal to actual CP of shoes is equal to, तो CP है हमारी ₹800 plus spent हुए ₹20, ये इसमें जोड़ देंगे, that is equal to ₹820. So this is the actual CP. Second we will find SP of shoes. अब shoes की selling price कितनी है, अब हमें मालूम है कि सीपी ₹800 हो गई है, सीपी इक्वल टू ₹820। अब इसमें प्रॉफिट हुआ है ₹80, सो वी विल राइट प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹80। देयरफॉर एसपी इज इक्वल टू, एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ शूज इज इक्वल टू, अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, सो वी राइट फर्स्ट फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। नाउ वी विल पुट वैल्यूज, कॉस्ट प्राइस इज ₹820 प्लस प्रॉफिट इज ₹20, दैट इज इक्वल टू, सॉरी प्रॉफिट इज ₹80, दैट इज इक्वल टू ₹820 प्लस ₹80, ₹900. So this is the selling price of that shoes. Therefore we will write last answer. Therefore selling price of shoes or SP of shoes is ₹900. Now we will find
थर्ड इज प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट. प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आप कैसे फाइंड करना है. सो वी विल सी प्रॉफिट. अब पहले डिसाइड कर लो कि इसमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है या लॉस परसेंट. तो प्रॉफिट हुआ तो हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे. सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100. नाउ वी विल पुट वैल्यूज. प्रॉफिट इज रुपीज 80 अपॉन फर्स्ट प्राइस इज रुपीज. फर्स्ट प्राइस कितनी थी 820 मल्टीप्लाइड बाय 100. अब इसको कैलकुलेट करेंगे. 1010 गेट कैंसर दैट इज इक्वल टू न्यूमेटिक मल्टीप्लिकेशन. न्यूमेटिक साथ करो या फिर आप इसको दूसरे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो. 10 एंड 82 आर डिविजिबल बाय 2. सो वी विल डिवाइड इट बाय 2. सो वी गेट हियर 80 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 से डिवाइड करो 10 को. सो वी विल गेट 5 अपॉन 82 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 82 का हाफ होता है 41. दैट इज इक्वल टू नाउ कैलकुलेट इट 5 8 40. सो 400 अपॉन 41. तो इतना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ. या तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो या फिर डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो. इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना है. सो 400 डिवाइडेड बाय 41. अब इसमें आपको डिवाइड करना है तो पहले 8 से या 9 से हो सकता है. 9 से मल्टीप्लाई करो. 9 1 9 9 4 36. तो ठीक है. सो 9 1 9 9 4 36. सब्ट्रैक्ट करो 31. नाउ वी विल टेक हियर डेसिमल पॉइंट हियर 0. अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 41 को 7 से. 7 7 7 4 20. ठीक है. सो अब यहाँ पे है 31. वी विल टेक हियर 0. डेसिमल लिया तो यहाँ पे 0 हो गया. 0 लिया 7 से करो. 7 1 7 7 4 28. सब्ट्रैक्शन करेंगे 10 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे 0. अब फिर से इसमें 0 लेंगे 5 से करेंगे. 6 से किया तो 6 6 6 4 24. तो ये बिगर नंबर होती है तो 5 से करेंगे. 5 1 5 5 4 20. सब्ट्रैक्ट करो रिमेन हियर 25. तो ये ऐसे स्टेप बढ़ते जाएगा. सो वी विल रियलाइज 9.75%. तो ये हो गया इसका प्रॉफिट परसेंट. थैंक यू.